हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके पहले प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर 2 M3 ENTC 2019 पैटर्न, जिसका टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्म, जिसमें से फोरियर ट्रांसफॉर्म रिवाइज कर चुके हैं और आज देखने वाले हैं जेड ट्रांसफॉर्म। दोस्तों जेड ट्रांसफॉर्म में काफी सारे फॉर्मूलाज है, उनको याद रखने का क्या ट्रिक है, इनवर्स जेड किस तरीके से वर्कआउट होता है, एप्लीकेशन किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करने हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को जरूर देखिएगा और हाँ, जो जो सम्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे सम्स ऑलरेडी ऐप पे मैंने फुल्ली सॉल्व्ड आपको दिए हुए अलोंग विद द सॉल्यूशन पीडीएफ। तो आप अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो रिवीजन किस तरीके से होती है ढंग से देख लेना, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड PYQ इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप। भाई 2,00,000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। यूनिट 2 ट्रांसफॉर्म में फोर ईयर ट्रांसफॉर्म तो हम लोग देख चुके हैं, अब बारी है जेड ट्रांसफॉर्म की, और जेड ट्रांसफॉर्म में इन डेप्थ देखने के लिए हमें बेसिक्स की जरूरत है, क्या करना है, कितना करना है, किस तरीके से करना है। आप अगर आपके एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो हमेशा जेड ट्रांसफॉर्म के लिए जब जेड और इनवर्स जेड पूछा जाता है तो ऊपर आपको एनी वन जरूर लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब यू हैव अ चॉइस नाउ कि आप जेड करो या फिर इनवर्स जेड करो, लेकिन जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उस एप्लीकेशन वाले पार्ट में आपको कभी कोई ऑप्शन नहीं आता है। अब 10 मार्क के लिए आप फोर ईयर कर सकते हो, 5 मार्क के लिए जेड कर सकते हो, टोटल आपको 15 लाने, या फिर 10 मार्क का आप जेड कर सकते हो, 5 मार्क का फोर ईयर कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन। आज मैं आपको एक बार रिवाइज करके दे देता हूं कि भाई करना कितना है, क्या याद रखना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। राइट, बेसिकली जेड ट्रांसफॉर्म करता क्या है, ये पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सबसे पहले तो समझ लो कि यार जेड ट्रांसफॉर्म का सबसे बेसिक काम क्या है। आपका जो भी सिग्नल जो कि आपका होता है कौन से डोमेन में, टाइम डोमेन में, जो कि कन्वर्ट होता है, और हमें ये क्लियरली मिलता है यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट क्या लिखा हुआ है, जेड प्लेन। इसकी खुद की अलग ही दुनिया है जहाँ पे जिसे कहा जाता है जेड प्लेन। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी का ही प्लेन है। कौन सा प्लेन है, फ्रीक्वेंसी का, मतलब अगेन वही चीज हो रही है, टाइम वाला सिग्नल आपका कन्वर्ट होके, टाइम वाला फंक्शन आपका कन्वर्ट होके किस में जा रहा है, फ्रीक्वेंसी में जा रहा है। अब यहाँ पे के है और यहाँ पे कौन है, जेड है, तो कन्वर्जेंस किस तरीके से दिखाई देते हैं, ध्यान से देखना। आपका टाइम f(k) टाइम डोमेन का फंक्शन जब कन्वर्ट होता है तो वो कन्वर्ट होके कहां पे दिखता है दोस्त, f(z). देखो स्मॉल f(k) लिखा हुआ इज इक्वल टू कैपिटल f(z) लिखा हुआ। दो अच्छी चीजें मैं बताता हूं रिगार्डिंग जेड ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रेशन बिल्कुल भी यहां पे हमें लगता नहीं है, हार्डली एक हद सम रहेगा, और जितने सारे फॉर्मूलाज दिए हैं बहुत लिमिटेड फॉर्मूलाज हम लोगों को याद करने, याद करके भी अपन यहाँ पे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये दो चीजें, f(k) का ट्रांसफॉर्म आता है f(z). अब आपको मैं बताता हूँ ओरिजिनल फॉर्मूला f(z) का है क्या, ये एकदम बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आप बस देख लेना यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले तो मैंने इंटीग्रेशन की साइन नहीं दी है, मैंने जो यहाँ पे साइन दी है वो दी है समेशन की साइन। राइट, अब किसका समेशन होने वाला है, यहाँ पे आपका f(k) आएगा और यहाँ पे आपका z^2 कितना आएगा दोस्तों, -k। वापस से देखो, यहाँ पे f(k) आएगा और z^2 यहाँ पे क्या आता है, -k। ध्यान से देखना, जब इस चीज को आप देखोगे तो डोंट यू थिंक सो, इधर पे भी k है और इधर पे भी k है, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब है कि समेशन में जो रेंज रहेगी वो भी किसकी रहेगी, k की रहेगी। अब k की रेंज पता है क्या, नहीं, तो फिलहाल आप उसको बाइलिनियर कंसिडर कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पे फिलहाल लिखने के लिए तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख सकते हो, जैसे सम आएगा उस हिसाब से हम लोग इसको मॉडिफाई जरूर करेंगे। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट, ये बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो दिमाग में बैठा आपके। अब इस फॉर्मूला के साथ साथ आपको कुछ फंक्शन से जो पहले से पता होने चाहिए, देखो यार दो फंक्शंस तो मैं आपको आमने सामने इमीडिएटली बता देता हूँ ताकि आपका और मेरा झगड़ा ना हो। देख लो क्या लिखा टाइटल, यूनिट इंपल्स फंक्शन, यूनिट इंपल्स फंक्शन, और दूसरा एक लिखा हुआ है मैंने जिसका नाम लिखा हुआ है भाई साहब यूनिट स्टेप फंक्शन। ये दोनों फंक्शंस के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू जेड ट्रांसफॉर्म। ध्यान से देखना, आप पहले पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो। यूनिट इंपल्स फंक्शन को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है विद द सिंबल, क्या लिखा है देखो मैंने यहाँ पे, डेल्टा के। यूनिट स्टेप फंक्शन को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है विद द सिंबल u(k), फिर कभी कभी वो कैपिटल u में भी आप उसको लिख सकते हो। ध्यान से देखना,
डेल्टा के नाम में क्या है, इम्पल्स, सिर्फ जीरो पे। आपको यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब है एक जीरो पे एक पल्स मिलती है जिसकी वैल्यू कितनी है, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। तो द सिग्नल इज ओनली प्रेजेंट एट जीरो हैविंग वैल्यू वन, दैट्स इट। तो ये होता है आपका डेल्टा के नाम का फंक्शन। अब देखना यू ऑफ के नाम का फंक्शन क्या है। भाई यू ऑफ के नाम का फंक्शन जो है वो शुरू कहां से हो रहा है, जीरो से हो रहा है, आगे 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 बढ़ता जा रहा है टिल इंफिनिटी, लेकिन हर एक जगह पे उसकी एक स्टेप है जो कि यूनिट वैल्यू वाली है। इसका मतलब है स्टेप वैल्यू कितनी है दोस्तों, वन है। अब टेक्निकली स्पीकिंग अगर मुझे इसको लिखना है कि सर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो, तो इसको भाई दो तरीके से लिख सकते हैं। यू ऑफ के का वैल्यू है वन, और यू ऑफ के का वैल्यू है वन कब है दोस्तों, जब आपका के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। देखो जीरो पे भी तो वैल्यू वन है ना, एंड जीरो कब है दोस्तों, एल्स या फिर के लेस देन क्या बोल सकते हो, जीरो। बस ये कॉन्वर्सेशन से मुझे बस एक चीज आपसे चाहिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं जब भी मुझे यू ऑफ के दिखाई देगा इट इज क्लियर कि मेरा सिग्नल जीरो से शुरू हो रहा है ना। तो यू ऑफ के जब आता है तो आपको ये जो रेंज आपको यहाँ पे मुंह उठा के दिखाई दे रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, विल दैट बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, नो, इट विल चेंज इनटू जीरो से लेके इन्फिनिटी। अंडरस्टूड दिस। अब बेसिकली जो आपका जेड ट्रांसफॉर्म है वो दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक होती है जेड ट्रांसफॉर्म की पेयरिंग और दूसरी होती है जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज। दोनों के लिए अलग अलग कलर्स यूज करके आपको यहीं पे बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन से याद कौन से रखने, हम लोगों को मार्क्स लाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में देखना पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट विद, सबसे पहले तो इनके जो स्टैंडर्ड पेयर है उन स्टैंडर्ड पेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं, किनको किनको आपको बहुत तरीके से याद रखना है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्लेयर जो आपको, देखो ये ज्यादा लगता नहीं है बट अच्छा प्लेयर है, डेल्टा के का जेड ट्रांसफॉर्म करोगे तो हमेशा आंसर आपको क्या मिलेगा, वन। और इसके लिए जब भी जेड ट्रांसफॉर्म की बात की जाए, मेरा बोलना रह गया, जब भी जेड ट्रांसफॉर्म की बात की जाए आपको आरओसी हमेशा लगेगा। आरओसी का मतलब होता है रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। इसका मतलब है अगर आप किसी भी टाइम डोमेन के सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में यानी कि जेड के डोमेन में लाओगे तो ये जेड डिसाइड करेगा कि उसको कौन से वाले सेक्टर में रखना है जहां पे उसका वैल्यू निकलेगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, उसे कहते हैं रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। तो सिंपल है, यहाँ पे हर एक आप पेयरिंग के लिए देखोगे तो मैं आपको कहीं ना कहीं रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस दूंगा। तो डेल्टा के का ट्रांसफॉर्म आता है वन, और इसके लिए जो आर ओ सी है दैट इज क्या लिखा है, एंटायर जेड प्लेन। दूसरा प्लेयर जो है उसे हम लोग कहते हैं यू ऑफ के। अब से आपको बहुत अच्छे से इनको याद रखना है, जेड अपॉन कितना लिखा है, जेड माइनस वन विथ मॉड जेड ग्रेटर देन क्या लिखा है दोस्तों, वन। तीसरा जो आपको याद रखना है जो कि बहुत फेमस है, अल्फा रेस टू के फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और चौथा जो आपको याद रखना है, अल्फा रेस टू के फॉर के क्या लिखा है दोस्तों, लेस देन जीरो। ध्यान से देखना, अल्फा रेस टू के फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अल्फा रेस टू के फॉर के लेस देन जीरो है अल्फा रेस टू के ही, लेकिन इसके आपको दो आंसर्स दिखाई देंगे। जो दो आंसर्स है वो कैसे आते हैं, एक जेड अपॉन जेड माइनस अल्फा, और जो दूसरा आता है वो आता है सेम जेड अपॉन लेकिन पल्टी मार के आता है अल्फा माइनस जेड। जब के ग्रेटर हो तो याद रखना आर ओ सी भी आपका ग्रेटर होगा, जब के लेस होगा तो आर ओ सी भी आपका लेस होगा, तो ये मॉड जेड लेस देन क्या दिखाई देगा, अल्फा। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार क्या आपको अच्छी तरीके से याद रह सकते। अब इसमें टोटल है 16 फॉर्मूलाज, कितने 16। अब आप 16 पेयरिंग याद रखोगे, फिर उसके ऊपर काम करोगे, फिर 10 प्रॉपर्टी याद रखोगे। भाई वैसे भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5 या फिर 10 मार्क के लिए इस यूनिट को करने वाले, उसमें भी इन्वर्स आता है। तो अगर आप टेक्निकली स्पीकिंग, आपको ज्यादा फॉर्मूले नहीं करने, जो मैं स्टार इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं ना वो वाले फॉर्मूले बस आपको बता देता हूँ, ये देखा आपने। उसके बाद अब मैं जाता हूँ डायरेक्टली एक फॉर्मेट के लिए जिसे हम लोग कहते हैं साइन अल्फा के, और नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगा कॉस अल्फा के। फिलहाल के लिए आईएमपी में आप इन लोगों को तो कंसिडर, मतलब ये बेर मिनिमम है क्राइटेरिया आपको करना ही करना है ना। अब साइन अल्फा के और कॉस अल्फा के को याद रखने का तरीका भी तो पता होना चाहिए, तो मैंने इसकी एक आपको बढ़िया सी ट्रिक बताई थी, याद है आपको, बढ़िया सी ट्रिक ये थी कि दोनों का डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे तो वो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कौन है, जेड स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1 जेड स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1। कभी कभी हम दिल के इतने अच्छे होते ना, हमें लगता है अरे 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 इधर साइन है तो इधर पे भी क्या रहेगा, साइन रहेगा, ऐसे नहीं होता है। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका साइन और कॉस से कोई मतलब नहीं है। देन
ऊपर आपकी एक टर्म आएगी Z, इधर पे भी आपकी टर्म आएगी एक Z, यहाँ पे एक सिंगल टर्म एड ऑन होगी साइन अल्फा नामक, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ K का टर्म क्योंकि K इस रीजन का प्लेयर है, राइट right? और यहां पे दो टर्म आती है Z माइनस, आपको क्या लिखना पड़ेगा cos अल्फा, दोनों का आरओसी आपका mod Z greater than 1, mod Z greater than 1 से ही वर्क अराउंड होगा दोस्तों। ये है स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज, ये बेयर मिनिमम आपको पता होनी ही होनी चाहिए। अब बोलोगे सर आपने भी नोट्स में इतना ही दिया है क्या? नहीं नहीं, मैंने टोटल 16 फॉर्मुलेज दिए और मैंने स्टार करे हुए कि कौन से इंपॉर्टेंट आपको करने हैं, किस तरीके से करने हैं और किस तरीके से उसको याद रखना है। तो ये स्टैंडर्ड पेयर मैंडेटरी है जो कि आपको आनी ही चाहिए। Understood this. अब having said this, ये वाला section आप और मैं दोनों देख चुके हैं, क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ? नहीं, तो एक काम करता, इसको अपन ना थोड़ा छोटा बनाएंगे, और इसको लाते हैं अपन इधर, मतलब कि कुछ आपका मिस आउट ना हो, ठीक है? तो ये आ गया आपका इधर। अब अपने पास यहाँ पे काफी जगह है, ये जगह जो है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज होगी। आपको भी पता है मैं क्या लेके आने वाला हूँ। इफ दिस आर योर स्टैंडर्ड पेयर, हमें जाना है किसके लिए? स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज के लिए। अब प्रॉपर्टी की भी लिस्ट देखोगे तो अरे सर क्या बताओ आपको, मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो भाई आपके पास यहाँ पे टोटल प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी 10, कितने 10, लेकिन हमें क्या 10 प्रॉपर्टीज करनी है? नहीं, हमें सिर्फ 5 को याद रखना है, उसमें से भी एक दो प्रॉपर्टी तो ठीक ठाक है, एक तो इनवर्स के लिए ज्यादा यूज होती है, बची हुई 4 है उसमें से एक का एक ही समय। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दिखाई देती है। अब सर जी अगर मुझे उसको डील करना है तो मैं कैसे डील करूं? चलो मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं, प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड। शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज के लिए, ध्यान देना हर एक का, उसका उसका जितना पॉसिबल है मेरे को वो ट्रिक भी बताऊंगा, फिर कौन से टाइप के सम्स आ सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा, और एक हम लोग इनवर्स की भी कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे आज, ताकि हमें समझ में आए कि लॉजिक कैसे बनता है। चलो सामने देखो प्रॉपर्टीज, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है दोस्तों क्या लिखा है देखो, शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी। इन जनरल एफ ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है एफ ऑफ जेड, करेक्ट लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे भी लिखा था f of k का z transform कितना होता है, f of z होता है shifting। अगर आप f of k को shift कर रहे हो, shift मतलब आपका original signal अगर यहाँ है, एक तो आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा, जो है वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये सिग्नल अचानक से चेंज होके कुछ अजीब बन गया और फिर आगे पीछे कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो f of k को अगर आप प्लस माइनस एन शिफ्ट करोगे तो आपका f of z तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, यहां पे जो टर्म आएगी वो आएगी z rest to प्लस माइनस एन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ के प्लस 2 होगा तो बताओगे मुझे ये आंसर क्या दिखाई देगा, जेड रेस टू प्लस 2 होगा और एफ ऑफ जेड आपका एज इट इज रहेगा। एफ ऑफ के प्लस 1 होगा तो जेड रेस टू 1 एफ ऑफ जेड होगा, माइनस 1 होगा तो जेड रेस टू माइनस 1 एफ ऑफ जेड होगा। इतना सिंपल है, इसमें कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये थी आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसे हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी। अब इसी शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग सेकेंड वाली प्रॉपर्टी ले लेता हूं मैं, दैट इज नेम्ड एज व्हाट, स्केलिंग का। ये सबसे ज्यादा आती है दोस्तों एग्जाम में, एफ ऑफ के का ट्रांसफॉर्म आता है दोस्तों आपका एफ ऑफ जेड। तो अगर आप इस एफ ऑफ के को छेड़ोगे मतलब उसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए रेस टू के से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपका जेड जो है वो नाराज हो जाएगा एंड ऑल द जेड अंकल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय जेड डिवाइडेड बाय, आपने सुना भी होगा टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे ए रेस टू के ए से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ए से क्या होना जरूरी था, डिवाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अंडरस्टूड दिस। अब सर जी ये तो हम लोगों को पता चला स्केलिंग किस तरीके से वर्कआउट हुआ वगैरह, अब आप हमें ये बताइए कि इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट करेगा वो चीज क्या है। भाई देखो एक बार आपको स्केलिंग वाली चीज समझ में है ना, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नंबर 3 में जो एक और है जिसे बहुत अच्छा नाम है, ये अपने लिए बहुत अच्छा नाम है, मल्टीप्लीकेशन बाय क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। अब ये वाली प्रॉपर्टी कैसे वर्क होती है सर, देखो मल्टीप्लीकेशन बाय के में भी शुरुआत आपकी वही है, एफ ऑफ के का ट्रांसफॉर्म दोस्तों आपको क्या मिलता है, एफ ऑफ जेड मिलता है। अब ध्यान देना इस एफ ऑफ के को नाम में ही लिखा हुआ है, आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अरे कर रहे हो ना, तो अगर आप यहाँ पे के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये होगी टेंटेड एंड वाली एंट्री, जो कि किसकी एंट्री होगी, डेरिवेटिव की एंट्री होगी, डेरिवेटिव ऑफ f of z, और एक्स्ट्रा टर्म जो यहां पे लगेगी वो लगेगी माइनस z। ध्यान से साथ में यहां पे इसको याद रखना, वन टर्म माइनस z d by dz f of z, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट सर ये हो गया सर, नेक्स्ट हमें किसको वर्क करना पड़ेगा, अब नंबर 4 में भी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसे हम लोग कहते हैं
डिवीजन बाई के, इससे रिगार्डिंग शायद एक हाथ दूसरा ही सम रहेगा जो कि एग्जाम में तो एक हाथ ही आया होगा, ज्यादा सम डिवीजन बाई के भी नहीं आते। तो भाई कैसे वर्कआउट होता है, एफ ऑफ के का एफ ऑफ जेड होगा, करेक्ट करेक्ट। अब नाम से ही यहां पे एफ ऑफ के को हम लोगों ने डिवाइड बाई क्या करा दोस्त, क्या कहते हैं इसको, डिवीजन बाई के। अगर यहां पे डिवीजन बाई के हो चुका है तो यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन। कितना सही लॉजिक था, मल्टीप्लिकेशन बाई के था तब क्या था दोस्त, डेरिवेटिव। डिवीजन बाई के होगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, जेड से लेके इंफिनिटी होगा, यहां पे आएगा आपका एफ ऑफ जेड डी जेड। लेकिन ये मत भूलना यहां पे जैसे आपने जेड को मल्टीप्लाई किया था वैसे ही यहां पे आपकी एक जेड की टर्म क्या होने वाली है, डिवाइड होने वाली है। Understood this. तो देखो भाई एक दो तीन चार, ये जो चार प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये चार फिलहाल तो आपको समझ में आई है क्या, मुझे बताओ। ये अगर चारों समझ में आई है तो ही हम लोग पांच नंबर के प्रॉपर्टी को आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। Understood this, यहां तक के पूरा क्लियर है क्या, मुझे बताओ। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, क्लियर है। अब सर जी एक दो तीन चार तो ठीक है सर, नंबर पांच में आप बताइए, आप ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आप सिखाना चाहते हो या फिर आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकती है, तो नंबर पांच वाली प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूं। दैट इज नोन टू बी एज, नाम ही इसका बहुत अजीब सा है, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, कॉन्वोल्यूशन। यार ENTC के जितने सारे बच्चे उनको कॉन्वोल्यूशन की कॉन्सेप्ट आगे जाके पता चलेगी, देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, उस सब्जेक्ट में कॉन्वोल्यूशन की आपको प्रॉपर्टी दी है, कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। बेसिकली कॉन्वोल्यूशन करता क्या है, मल्टीप्लाई करता है सिग्नल को और एट द सेम टाइम क्या करता है, एडिशन करता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इज नथिंग बट आपका होता है कॉन्वोल्यूशन, इसीलिए इसका सिंबल भी स्टार होता है। देखो ये और ये मर्ज करोगे तो स्टार सिंबल आपको मिलता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये दिखाता कैसे पता है आपको, ये देखो F1 ऑफ K कॉन्वोल्यूशन, F2 ऑफ K समझ रहे हो का ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये होता है F1 ऑफ Z into और ये होता है आपका F2 ऑफ Z, यानी कि कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इन मल्टीप्लिकेशन इन योर फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये बहुत जरूरी है कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट समझ में आए, क्यों बताता हूँ मैं। कन्वोल्यूशन रियल टाइम में टाइम डोमेन में करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो लोग क्या करते हैं, मैं टाइम में नहीं करूंगा मैं फ्रिक्वेंसी में जाने की बात करूंगा। इसका मतलब है कि ये चीज जब आप देखो सिंपल चीज होती है, आप ऐसे ही घूम रहे हो और आप पॉपकॉर्न खा रहे हो तो इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही जब आप थिएटर में जाते हो तो वहां पे जब ब्रेक होता है ना तब जब आपको लगता है ना नहीं नहीं पॉपकॉर्न खाना ही चाहिए, तब पॉपकॉर्न वही होता है, लेकिन वो जो फीलिंग है ना उस चीज के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि करना इधर पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है फिर अच्छा नहीं लगता है, इधर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाता है। सो दैट इज नोन टू बी एज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी। Are you guys getting my point? अब पूरा का पूरा इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब absolutely let me tell you something कि इससे ज़्यादा आपको अगर आप overall देखोगे तो concept wise आपको कुछ अलग से दिखाई नहीं देगा। अब रहा सवाल सर इनको हम लोग आगे वर्क अराउंड किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा क्या है जो हमें यहाँ पे एड ऑन करना पड़ेगा तब जाके अपना काम बनेगा। एक सेकेंड, ये सारा सब कुछ चलो अब जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। कुछ कॉन्सेप्ट से जो कि आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, एक बार बस मैं बता देता हूं। एक कॉन्सेप्ट है आरओसी वाली, जल्दी से देखना ये बहुत जरूरी है, अब ये क्विकली आपको आपके आंसर्स के करीब लेके जाती है। देखो क्या टाइटल लिखा है मैंने, आरओसी। आरओसी एक ट्रिक बताता हूं उसकी मैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि एक है आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन 2 राइट, और एक आरओसी है मॉड जेड ग्रेटर देन 3। ऐसे आपको दो आरओसी एक ही सम में आए, कौन से mod z greater than 2 and mod z greater than 3, तो आपको इसका combine ROC लिखना है। आपको इसका क्या लिखना है, combine ROC। तो इसका combine ROC कैसे आएगा दोस्त, mod z तो आप लिखोगे ही लिखोगे है ना, दोनों जगह पे कौन सी साइन है, ग्रेटर की साइन है कि नहीं, तो दोनों जगह पे ग्रेटर की साइन है तो यहां पे भी आप ग्रेटर का ही साइन दोगे, इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर आप लिखोगे तो इसे कहते हैं कंबाइन आरओसी। कुछ इस हिसाब से आप कभी भी दो आरओसी अगर इकट्ठा होंगे तो उसको किस तरीके से कंबाइन आरओसी में लिखना है ये आप अच्छे से समझ लो। अब इसमें तीन टाइप आपको बेसिकली निकल के आएंगे, एक आता है मॉड जेड लेस देन 2 एंड मॉड जेड अगेन लेस देन 3, तो आपको यहाँ पे मॉड जेड करना है, लेस करना है, एंड यू हैव गॉट द ट्रिक नाउ। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो आपको यहाँ पे चुपचाप क्या लिखना है, 2 लिखना है। अंडरस्टूड दिस। अब नंबर 3 पे आपको लिखना है, जैसे कि मॉड जेड ग्रेटर देन 2 है लेकिन मॉड जेड यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त लेस देन, अब मॉड जेड ग्रेटर देन 2 और मॉड जेड लेस देन 3, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, एक जगह पे ग्रेटर साइन एक जगह पे लेस का साइन है। इसका मतलब है आप जब इसको आंसर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा मॉड जेड लिखो, इसको इस तरीके से मेकअप करो,
एक लेस तो यहां पे लिखना छोटा नंबर, यहां पे लिखना बड़ा नंबर, ये जो आएगा इसे हमेशा कहते हैं कंबाइन आरओसी। तो ये जो ट्रिक है ना ये बिल्कुल मत भूलना, जो कि हम लोग थ्रू आउट यूज करेंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी किसी सम को वर्कआउट करने की। तो इन दैट केस आई वॉन्ट यू गाइज कि आप मुझे इसका आंसर जो है वो सही तरीके से बताओ जब भी कभी आरओसी की बारी आएगी। अंडरस्टूड दिस? अब सर आप मुझे बताओगे कि Z ट्रांसफॉर्म में आपको कौन से सम्स जो है वो लगते हैं कि जो कि प्रो है, जो कि आने के काफी चांसेस है, तो मुझे जो जो लगते हैं वो सम्स का वो मिनिमम सम्स आपको करके जाने पड़ेंगे, वो टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। एक एक फॉर्मेट है जो कि बहुत फेमस है जिसे हम लोग कहते हैं सम का फॉर्मेट, बताता हूं। समथिंग लाइक मॉड के, समथिंग लाइक क्या लिखा है मॉड के, अब ये फोर तो मैंने रैंडमली दिया है, टू रेस टू मॉड के हो सकता है, ए रेस टू मॉड के हो सकता है, फोर रेस टू मॉड के हो सकता है, तो ये एक वन ऑफ द टाइप है जो कि आपको आना जरूरी है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज के इंटू फाइव रेस टू के नामक सम है, देखो के इंटू फाइव रेस टू के, सम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कौन है ये 5 raised to k, इस 5 raised to k को आप क्या करो, हीरो बनाओ, इसकी स्टैंडर्ड पेयरिंग यूज करो, किया इसकी पेयरिंग यूज करने के बाद इस 5 raised to k को आप कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अरे कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो के, तो आपकी एक प्रॉपर्टी यूज होती है ना, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, मल्टीप्लिकेशन बाय के वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। तो इस तरीके से सम को पूरी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना है। अंडरस्टूड दिस? अब सर कुछ और अलग बताओगे क्या? तो ये देखो एक और फॉर्मेट है जो कि बहुत फेमस है, 2 raised to k into क्या लिखा है मैंने, sin 3k। अब आप बोलोगे सर एग्जैक्ट ऐसे सम आएंगे क्या, नंबर छोड़ दो आप कॉन्सेप्ट पकड़ लो क्या है, तो कुछ भी हो सकता है कम ज्यादा में। अब ये इसमें क्या है भाई, आपका हीरो किसको पकड़ोगे, आप साइन थ्री के को हीरो पकड़ोगे, और उस साइन थ्री के को अब उसके बाद आप क्या करोगे, छेड़ोगे, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 raised to k। तो जहां पे छेड़ना वर्ड मैंने यूज किया, मैंने आपको बोला था वहां पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आती है, स्केलिंग, ऑल द जेड अंकल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय जेड बाय ए, इसका मतलब जेड विल बी रिप्लेस्ड बाय जेड बाय 2 हो जाएगा, जिसको आपको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड दिस? अब उसके साथ साथ सर और ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जो आने के चांसेस है, देखो ये कुछ फॉर्मेट्स रहते हैं, साइन या कॉस ले लो आप, लेट्स से कॉस ऑफ 3k प्लस 2 आया, अब इस तरीके का सम आया तो आपको सबसे पहले तो कॉस और साइन का बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो यूज करते आना चाहिए। मैं रैंडमली लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन ऑफ ए प्लस बी जब आप करते हो प्लस माइनस बी में, तो ये आता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये आता है आपका प्लस माइनस के फॉर्मेट में। लेकिन जब आप कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी करते हो कि नहीं, अरे ये ट्रिग्नोमेट्री है सारी, तो ये आपका दिखाई देगा कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस, उल्टा हो जाएगा भी ये, और यहां पे आएगा आपका साइन ए साइन बी, कुछ इस तरीके से ये वर्क अराउंड होगा। अब सर जी और ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि सम के फॉर्मेट में आ सकता है? तो देखो यार एक और है जो कि इंटीग्रेशन वाला सम है, रादर मैं आपको बताऊं समथिंग बाय के वाला एक सम है। तो अगर आप देखोगे जैसे साइन ए के ले लो, तो ये वाला भी एक फॉर्मेट है, अगर आपको चाहिए तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से कुछ सम्स के फॉर्मेट है जो कि आपको तगड़े सम्स है, अच्छे से आने चाहिए, वैल्यू इधर उधर करके पूछे जाते तो आपको उनको सही तरीके से आना, उनके आंसर्स लेके आना, ये मैंडेटरी चीज है, ये समझ में आया आपको। अब इसके साथ जो फॉर्मूला आपको एक और लगता है जहां पे बच्चे उसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि आप इसको इग्नोर करो, दैट इज आपको आना चाहिए डी बाई डी जेड में, डी एक्स में सिखाता हूं, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ, सामने देखो, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा है मैंने, लिखा है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको आना चाहिए। आता है आपको फॉर्मूला, ये डेरिवेटिव का यू बाई वी का रूल है दोस्तों, ये क्लियरली किस तरीके से वर्क अराउंड होता है। तो यहाँ पे नीचे वी है, तो नीचे वी का क्या होगा दोस्त, स्क्वायर, यहाँ पे भी वी लिखो बची हुई जगह पे डी यू बाई डी एक्स होगा, यू लिखो बची हुई जगह पे डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और बीच में आपकी कौन सी साइन आनी चाहिए, माइनस साइन। ये फॉर्मूला आपको यूज करना ही पड़ेगा, ये दो जगह पे डेरिवेटिव में भी, सॉरी इनवर्स में भी लगता है, और जब आप ये चीज करते हो ना के वाली जहां पे डेरिवेटिव करना पड़ता है आपको ना, डी बाई डी जेड करना पड़ता है, वहां पे भी आपको ये फॉर्मूला लगता ही लगता है। अंडरस्टूड दिस? थ्रू आउट आपको ये थीम समझी है, किस तरीके से वर्कआउट किया, ये सब कुछ समझा है क्या? तो ये मैं बोल सकता हूँ कंक्लूजन कि ये सम्स जो है वो आपको जेड ट्रांसफॉर्म के लिए आ सकते हैं। अब जेड के बाद जो नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे वो करेंगे इनवर्स जेड के बारे में। इनवर्स जेड के बारे में बहुत ध्यान से देखना, जो जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ वो बहुत जरूरी है, जैसे कि यार होता कैसे है, क्या क्या चलता है इनवर्स जेड में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो तीन लोग जो है जिनको कभी नहीं भूलना, एक होता है आपका अल्फा रेस टू के, कौन होता है, कौन होता है
अल्फा रेस टू के। अब आपको क्या हो चुका है पता है, अल्फा रेस टू के का आपको पता है कि आपके बेसिक टाइम डोमेन में उसके दो फॉर्मूलास थे, के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए था और एक के लेस देन जीरो के लिए था। अब यहाँ पे आपको क्या चीज का ख्याल रखना है मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमेशा याद रखना, अगर आपको देखो ये इनवर्स जेड चल रहा है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, जेड अपॉन जेड माइनस क्या हुआ अल्फा हुआ, तो आप इसके बेसिकली दो आंसर्स निकाल सकते हो। कितने आंसर्स निकाल सकते हो? दो। जो पहला आंसर आएगा वो डायरेक्टली आएगा अल्फा रेस टू के, और जो दूसरा आंसर आएगा वो भी अल्फा रेस टू के रहेगा लेकिन बाहर उसको माइनस रहेगा। बोलोगे सर ये कहां से हो गया, ये कैसे हो गया, तो आपको बताता हूं किसको कब यूज करना है ये समझ लो। ये कब यूज करोगे? जब आर ओ सी ग्रेटर होगा तब, और ये कब यूज करोगे? जब आपका आर ओ सी क्या होगा दोस्त, लेस होगा। तो ग्रेटर के लिए पॉजिटिविटी, लेस के लिए, बस इतनी छोटी सी थीम आपको यूज करनी है। अब सेकेंड चीज जिसको मैं हमेशा कहता हूं, मुझे बहुत पसंद है एक्सप्लेन करने में, वन अपॉन क्या लिखा है जेड माइनस अल्फा, आपको तो पता ही होगा क्लास में मैं इसको हमेशा टकरू बोलता था, है ना। तो यहाँ पे देखो जेड है लेकिन यहाँ पे जेड मतलब इसको बाल है लेकिन ये यहाँ पे तो पूरा गंजा दिखाई दे रहा है। सो वन अपॉन जेड माइनस अल्फा वाला जब पैटर्न आएगा आपके सामने, तो आप जब उसको आंसर में कन्वर्ट करोगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे भी इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, बस वही माइनस साइन का डिफरेंस आने वाला है। एक मॉड जेड ग्रेटर देन अल्फा के लिए लिखो, एक मॉड जेड लेस देन अल्फा। आंसर में क्या चेंज होते हैं ये जरूर देखना जब आप आंसर के लिए जाते हो ना दोस्त। सो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी अल्फा रेस टू के माइनस वन, और यहां पे भी आएगा माइनस अल्फा रेस टू क्या आएगा के माइनस वन, माइनस थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ माइनस, और यहाँ पे अल्फा रेस टू के माइनस वन। भाई मजा आया। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, तो देखो दिस इज क्लियरली टाइम शिफ्टिंग वाला जो प्रॉपर्टी मैंने वहां पे सिखाया था ना वो उल्टा यूज हुआ है। जैसे कि आपको पता है के की जगह पे कौन आया, के माइनस वन आया, तो शिफ्ट कितने से हुआ माइनस वन से, तो यहाँ पे जो जेड है उसको एक जेड रेस टू क्या लगा माइनस वन, दोनों कट गए और यहाँ पे चुपचाप आपका क्या आया वन आया। सो इस हिसाब से ये लॉजिक बना है। रुको सर कुछ और अच्छा बताओ, सर एक और अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, ये देखो अब ये घने बाल वाला इंसान भी वर्कआउट कर लेंगे, जेड स्क्वेयर अपॉन जेड माइनस अल्फा वाला, बताओगे इसके भी तो दो आंसर्स होंगे मॉड जेड ग्रेटर देन अल्फा एंड मॉड जेड लेस देन अल्फा, बताओगे आंसर्स में कन्वर्जन अब क्या होगा, ये अल्फा रेस टू क्या हो जाएगा के प्लस वन हो जाएगा, और ये माइनस अल्फा रेस टू क्या हो जाएगा के प्लस वन, एक जेड एक्स्ट्रा बढ़ा तो प्लस वन, एक जेड हट गया तो उसकी जगह पे आपको क्या करना था माइनस वन करना था। Understood this, right? अब इन्हीं के साथ साथ एक और बहुत अच्छा फॉर्मेट है जो कि आप यही पे मेरे साथ याद रखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, z अपॉन z माइनस लेट से अल्फा का स्क्वायर, z अपॉन z माइनस अल्फा और क्या लिखा है उसका स्क्वायर। ऐसे सम्स के लिए अगर मुझे इनका आंसर निकालना है ना दोस्तों, तो आप इस आंसर को जब भी कन्वर्ट करोगे तो योर आंसर शुड बी अल्फा, यहाँ पे आता अल्फा और रेस्ट टू, यहाँ पे आप इसको क्या करते दोस्तों के माइनस वन के हिसाब से दिखाते। तो ये एक वन ऑफ द फॉर्मेट है जो कि आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट योर आंसर्स कुछ इस तरीके से। तो ये जो आपको ओवरऑल मैंने दिखाया ये हमें कहाँ पे लगता है मैं बताता हूँ, ये हमें लगता है देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों को ये लोग लगेंगे, राइट। ये था आपका बेसिक एनालिसिस जो कि आपको स्टैंडर्ड इनवर्स जेड के लिए यूज होना चाहिए। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक सम लेते हैं, मैं आपको वो सम दो मेथड से दिखाऊंगा, एक पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड और एक है इन्वर्जन इंटीग्रल वाली मेथड। कौन सी मेथड? इन्वर्जन इंटीग्रल। दोनों मेथड में से आप पहले मेथड देख लेना और मुझे बताना कौन सी मेथड आपको अच्छी लग रही है। ऑफ कोर्स आपको इन्वर्जन इंटीग्रल बहुत अच्छी लगेगी। हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, पूरा ध्यान देना, एक सम रैंडमली ले लेता हूं दोस्तों और आरओसी वगैरह वगैरह के हिसाब से इसको वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। सो मैं पहले तो यहां पे टाइटल डाल देता हूं कि भाई मुझे ये जो कुछ सिखाना है अभी ये सिखाना है पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो चलो सब लोग अभी सामने देखो पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से मैं आपको सम दे देता हूं। मुझे सम दिया है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस टू एंड लेट से जेड माइनस क्या लिखा है दोस्तों थ्री लिखा हुआ है। ध्यान से देखना इस सम को, और आरओसी जो है लेट से ग्रेटर वाला ले लेते हैं अपन, चलेगा। तो ये ग्रेटर वाला आरओसी ले लेते हैं और इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहले तो आपको एफ ऑफ जेड दिया है कि नहीं, ये नीचे के टर्म्स आपके प्रॉपरली सेपरेटेड है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले स्टेप जब भी पार्शियल फ्रैक्शन से आप करते हो चीजें, तो आपको एफ ऑफ जेड में से इस ऊपर जो जेड दिखाई दे रहा है उसको हमेशा क्या करना है, बोरो करना है। आई रिपीट, यहां पे अगर जेड है तो जेड को क्या करो नीचे ले लो, जेड नहीं है तो जेड लाओ डिवाइड बाय जेड, और अगर z स्क्वायर है तो उसमें से सिर्फ एक z को नीचे लेके आओ, एक z इधर ही रहेगा। अंडरस्टूड दिस? किसी भी तरीके से पहली स्टेप z को आपको बोरो करके
नीचे लाना ही लाना है जब आप पार्शियल फ्रैक्शन की बात करोगे तब। अब दिखेगा कैसे भाई ये वन अपॉन क्या दिखेगा दोस्त z माइनस टू और ये दिखाई देगा z माइनस थ्री। तो ये अभी जो भी दिखा अपना अपन उसको क्या बोलेंगे भाई तो अपना कौन है इक्वेशन नंबर वन। अब आप इसी चीज को f ऑफ z बाय z को आप यहाँ पे इसको तोड़ ताड़ के लिखो z की हाइएस्ट अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो z की हाइएस्ट डिग्री कहाँ तक आएगी टू तक की आएगी। इसका मतलब है दो यहाँ पे हम लोग अननोन को इंट्रोड्यूस करेंगे a अपॉन z माइनस टू प्लस b अपॉन क्या लिखेंगे z माइनस थ्री। अब इसका मतलब है मुझे अब किसको और किसको फाइंड करके देना होगा इनको a और b को फाइंड करके देना होगा। a और b फाइंड करने का तरीका बहुत कैजुअल है मैं जो सिखाऊंगा वो, लेकिन मैं बताऊंगा आपको अलग से आप ओरली आंसर दे सकते हो उनको दिखाना आपको कुछ अलग है राइट। तो मैं बताता हूं कैसे आपको वर्क करना है। आपको किसको फाइंड करना है a के नीचे कौन तो आपको इस वाले इक्वेशन वन दिखाई दे रहा है जब z इसके पास आ चुका है इसमें a के नीचे कौन बोला आपने z माइनस टू तो यहां से आपको z माइनस टू को सबसे पहले तो क्या करना है छुपाना है। क्या करना है छुपाना है छुपाया जो भी बचा देख रहे हो और वहां पे आपको z इज इक्वल टू टू सब्सटीट्यूट करना है। क्या करना है z इज इक्वल टू टू कहां से आया सर ये टू ये देखो ये क्या है z इक्वल टू जीरो करो तो z इज इक्वल टू कितना आएगा टू आएगा तो आपको यहाँ पे z की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना है दोस्त टू। अंडरस्टूड। अब सर ये दिखने में कितना खराब दिखाई देगा हम लोग ऐसे थोड़ी बोल सकते कि छुपाओ और फिर यहाँ पे लिखो ऐसे नहीं चलेगा तो आपको इसको जानबूझ के क्या करना है z माइनस टू वन अपॉन z माइनस टू एंड z माइनस थ्री ऐसे लिख के आप उनको बोल सकते हो कि भाई मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। अल्टीमेटली वॉट वी आर डूइंग इज अरे समझ में आया है वही चीज बट दिखाना इस तरीके से आपको चाहिए तो आप ऐसे दिखाओ सही लगेगा दिखने में। अब मुझे बताओ z की जगह पे 2 डाल के डायरेक्ट आंसर दे सकते हो 2 माइनस थ्री इज व्हाट माइनस वन माइनस वन अपॉन माइनस वन इज क्लियरली नथिंग बट क्या आएगा माइनस वन। अब b के बारे में बताइएगा z माइनस थ्री होगा करेक्ट वन अपॉन यहाँ पे z माइनस टू और यहाँ पे होगा z माइनस थ्री तो ये z माइनस थ्री ये z माइनस थ्री कट गया। आपको ये z इज इक्वल टू कहाँ पे निकालना पड़ेगा ऑफकोर्स थ्री पे निकालना पड़ेगा थ्री यहाँ पे पुट करोगे तो थ्री माइनस टू वन वन बाय वन करके आपका आंसर आपको यहाँ पे दिखाई देगा एंड योर आंसर इन दिस केस क्लियरली कम्स आउट टू बी कितना आता है भाई साहब आपका आंसर आता है यहाँ पे वन। आया समझ में यहां तक। अब इस f ऑफ z को रीराइट करते हैं तो मुझे बताइए अभी f ऑफ z आपका f ऑफ z बाय z आपका किस तरीके से दिखाई देगा। a की जगह पे क्या आया दोस्त माइनस वन अपॉन z माइनस टू करेक्ट जा रहा हूं मैं प्लस वन अपॉन यहाँ पे क्या आया z माइनस थ्री। ध्यान से देखना z को वापस उनके उनके घर भेजो f ऑफ z इज इक्वल टू माइनस एज इट इज ये आएगा z अपॉन z माइनस टू करेक्ट ये आएगा प्लस ये आएगा z अपॉन z माइनस थ्री। अब आप भी स्मार्ट हो मैं भी स्मार्ट हूं दोनों जगह पे जो ROC यूज करिए ROC बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भाई लगता आपको है यहाँ पे ROC कंबाइन में ग्रेटर है तो इसके लिए भी ग्रेटर वर्जन इसके लिए भी ग्रेटर वर्जन आपको तो मैंने सिखाया है जब ग्रेटर वर्जन होगा तो हमेशा कौन सी साइन आएगी पॉजिटिव वाली साइन आएगी और अल्फा रेस टू के होगा। लेकिन सेम ROC अगर लेस देन टू लिखा हुआ रहता सेम सम ROC अगर लेस लिखा होता तो कंबाइन इज लेस लेस मतलब कि आप कौन सा वर्जन यूज करते हैं लेस यानी कि जो आंसर्स आते हैं उनको बाहर से क्या देते नेगेटिव देते। आया समझ में। अब एक छोटा एक बड़ा अगर ऐसे होता तो एक जो छोटा है उसको लेस आता जो बड़ा है उसको ग्रेटर आता या फिर बड़ा है उसको लेस आता छोटा है उसको ग्रेटर आता जो भी जैसा है उसके हिसाब से अपने को ग्रेटर दिखा तो भाई साहब हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे लेस दिखा तो हम लोग नेगेटिव लिखेंगे थीम के हिसाब से। क्या आप मुझे बताओगे अब अगर मैं इसका डायरेक्ट कन्वर्जन करूं एफ ऑफ के में तो माई आंसर इन दिस केस शुड बी माइनस एज इट इज ये इसका ओरिजिनल है क्या मैं इसका आंसर टू रेस टू के लिख सकता हूं क्या मैं इसका आंसर डायरेक्टली थ्री रेस टू के लिख सकता हूं भाई साहब ये मिले आपको पूरे पांच मार्क्स आप जीत चुके हो आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट मजा आया सही है सच्ची में समझ में आया। अब सेम टू सेम चीज हम लोग अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बट इन दिस केस व्हाट वी विल बी यूजिंग इज हम लोग इसको करेंगे इन्वर्जन इंटीग्रल से। एग्जाम में आपको स्पेसिफाइड रहता है कि आपको सम को इन्वर्जन इंटीग्रल से सॉल्व करने के लिए पूछा गया है तो बताइयो इन्वर्जन इंटीग्रल से अगर आप सम को सॉल्व करने के लिए जाओगे सेम सम लेता हो ध्यान देना प्लीज दोस्तों एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखा है जेड अपॉन z माइनस टू एंड z माइनस थ्री विथ मॉड z ग्रेटर देन थ्री ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ ये है कि नहीं। अब सर मैं क्या करूं यहां पे सबसे पहली और बेसिक स्टेप आपको क्या करने में बताता हूं आपको पोल्स की लोकेशन फाइंड आउट करनी है क्या करनी है पोल्स की लोकेशन बताओगे पोल्स की लोकेशन कहां पे आप देखो तो सही यहां पे आप देखोगे ये जो है ना जैसे ये पोल की लोकेशन है ये आप लिखते हो ना z इज इक्वल टू टू जेड इज इक्वल टू थ्री तो ये पोल की लोकेशन जैसे कि इसको मैं इक्वल टू जीरो करूं तो नीचे जीरो आएगा नीचे जीरो मतलब आंसर इन्फिनिटी मतलब पोल तो बताओ जल्दी से पोल्स एट ऐसे लिखू पोल्स एट z इज इक्वल टू टू एंड
अरे सही है ना, z इज इक्वल टू कितना लिखू 3, इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आपको जो f ऑफ z दिया हुआ है उसको जानबूझ के आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाली है, जो भी f ऑफ z आपको दिया है उसको जानबूझ के मल्टीप्लाई करो z रेस्ट टू k माइनस 1 से। अब इधर z रेस्ट टू k माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी तो करना पड़ेगा, तो देखो ये कैसे दिखाई देगा अभी, z z माइनस 2 करेक्ट ना, z माइनस 3 और यहां पे z रेस्ट टू क्या आया k माइनस 1। अब आप खुद देख लेना, एक z रेस्ट टू 1 है, एक z रेस्ट टू कौन है, k माइनस 1। क्या ये सिंपलीफाई हो सकता है, ये 1 और ये माइनस 1 कटा, तो अगर मैं इसको अच्छे बच्चों की तरह लिखने के लिए जाऊं तो f ऑफ z इनटू इज इक्वल टू z रेस्ट टू k आएगा अपॉन z माइनस 2 और z माइनस 3 आएगा, इसे हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब नाम भले ही इनवर्जन इंटीग्रल हो, इसी मेथड को एक और नाम भी दिया जाता है, दिस आल्सो इज नोन टू बी एज अ मेथड कॉल्ड एज रेसिड्यू मेथड। कौन सी मेथड, रेसिड्यू। तो भाई रेसिड्यू मेथड किस तरीके से वर्कआउट होती है अब मैं बताता हूं। नंबर एक, हम लोग अब निकालेंगे रेसिड्यू एट पोल्स, कौन से थे, पहला वाला पोल ले लो z इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए रेसिड्यू हम लोग निकालेंगे। अरे बहुत सही है, आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे मतलब सोचोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। उसको आर वन नाम देता हूं, क्या नाम दू, आर वन। कहां पर निकालना, z इज इक्वल टू 2 पे, एज यूजुअल इसको छुपाओगे, छुपाओगे ना, तो बताओ मुझे छुपाना मतलब, आपको पता है कैसे गेम करते हैं हम लोग, z माइनस 2 जानबूझ के लिखते हैं ना, आया समझ में, सेम चीज है, ये कटेगा ये कटेगा, कटा। अब मुझे बताओ z की जगह पे क्या पुट कर रहे हो, 2, तो ये 2 रेस टू k आएगा और यहां पे 2 माइनस 3 आएगा, यानी कि ये आएगा आपका 2 रेस टू k एज इट इज करेक्ट, और नीचे क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। अरे ये समझा आपको अब तक, ये माइनस 1 ऊपर लेके जा सकते बाद में अपन, यहां तक क्लियर हो। अब सेम चीज मुझे दो नंबर में बता दो आप, मैं अभी क्या करने वाला हूं, रेसिड्यू एट, अरे स्मार्ट तो आप हो ही, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू क्या करूं 3, बताओगे कैसे निकालू, आर टू z माइनस 3 z रेस टू k अपॉन z माइनस 2 z माइनस 3, ये कट गया और आपको z इज इक्वल टू कहां पे करना है, 3 पे, बताइयो ये आपका आंसर आपको क्या देगा, ये देगा 3 रेस टू k, 3 ना बेटा, जहां जहां पे z है वहां वहां पे 3, और ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, अब देखना ये दो स्टेप समझ में आए। अब मैं आपको बताता हूं फाइनल आंसर, किसी को बताएगा मत, फाइनल आंसर क्या होता है आपका f ऑफ k, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, हाँ जो रेसिड्यूज है वो आपको क्या करने है दोस्तों, ऐड, चलो ऐड करो मेरे लिए और मुझे बताओ आपका f ऑफ k का आंसर क्या आता है। f ऑफ k इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर लिख सकता हूं ना मैं, माइनस 2 रेस टू k प्लस 3 रेस टू k, इसको मैं कर रहा हूं बॉक्स, और ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोगों ने अभी अभी एक आंसर निकाला था, और हम लोगों ने अभी अभी यूजिंग इनवर्जन इंटीग्रल आंसर निकाला, मजा आया, बिल्कुल सेम आंसर आता है। अब आप बोलोगे सर इसमें अगर एक और z होता तो क्या करते, एक और पोल के लिए आप यहां पे एक R3 इंट्रोड्यूस करते, अंडरस्टूड ना, वही सेम लॉजिक, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, यहां पे तो इतना सेट है। अब आप बोलोगे ये क्यों यूज हुआ सर, तो आपको पता चला ये यूज इसलिए हुआ कि आपको यहां पे डायरेक्टली क्या दिखे 2 रेस टू के और यहाँ पे क्या दिखे 3 रेस टू के, आप ही का काम आसान करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे तो उन्होंने झगड़ा मोल लिया है, बताओ कैसे, z भी और k भी एक ही जगह पे, जो कि बहुत अजीब है वैसे तो, लेकिन इनवर्जन इंटीग्रल की प्रोसेस ही यही है कि आपको z रेस टू k माइनस 1 करना ही करना है। सर मुझे एक सम बहुत अच्छा लगा, मैंने z रेस टू k प्लस 1 कर दिया, गए भाई सारे मार्क्स चले गए। आपको कुछ भी हो स्टेप ही है कि आपको z रेस टू क्या करना है, k माइनस 1 को वर्क अराउंड करना है। Understood this? ये था आपका inverse transform and full and the final part, जो कि मैं quickly आपको बताऊँ, that is nothing but क्या होता है आपका application का part। जब application की बारी आएगी दोस्तों, तो आपको basically क्या करना पड़ता है, तीन चार formulas जो कि आपको याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि f of k का z transform करोगे तो क्या आता है दोस्त, f of z, f of क्या लिखा है अभी मैंने k plus 1 और उसके बाद मैं लिखूंगा f of k plus 2। ये तीन लोग आपको हमेशा याद रखने, उसमें से पहला तो याद रहा, easy है। अब देखना ये इसका आंसर आता है z into f of z minus z into क्या आता है f of 0। ये देखो ये capital f है और ये small f है, ये आपका time domain का f of 0 यहाँ पे multiply हो चुका है, इसे कहते हैं initial condition। क्या कहते हैं, initial condition। similarly ये वाला player भी बहुत अच्छा है, z square f of z minus z square f of 0 minus z और यहाँ पे आएगा f of 1।
तो ये है तीन फॉर्मूलाज, जो तीन फॉर्मूलाज आपको अगर आए ना दोस्तों तो कंपलसरी आपको कोई भी सम रिगार्डिंग एप्लीकेशन वर्कआउट करने आना चाहिए। कैसे होता है, आपको कोई इसी तरीके की इक्वेशन दी जाएगी, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ के प्लस टू माइनस थ्री इंटू एफ ऑफ के प्लस वन इज इक्वल टू लेट से टू रेस टू के लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ पहली स्टेप, आप इसका जेड ट्रांसफॉर्म, इसका जेड ट्रांसफॉर्म और इसका क्या करोगे, जेड ट्रांसफॉर्म निकालोगे। ये पहली स्टेप। इसमें भी आपको इनिशियल कंडीशन दी जाती है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन है या फिर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है और एफ ऑफ वन की वैल्यू लेट से टू है, जो भी है, तो इनिशियल कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू। तो इस इनिशियल कंडीशंस का तो आपका फुलफिलिंग यहाँ पे हो जाएगा, है ना। उसके साथ साथ z इंटू एफ ऑफ जेड, जेड स्क्वायर एफ ऑफ जेड, जो भी आप लिखोगे सब जगह पे ये सिंप्लीफाई होके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपका एफ ऑफ जेड रहेगा और यहाँ पे आपको z अपॉन समथिंग 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 दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है जो पहली स्टेप करी, दी गए डिफरेंस इक्वेशन का आपने z ट्रांसफॉर्म किया, सिंप्लीफाई किया, मुझे बताओ ये कौन दिखा आपको, एफ ऑफ जेड। आपको भी पता है एक बार एफ ऑफ जेड आने के बाद इसका क्या करोगे, आप लोग इनवर्स जेड करोगे ना, इसका इनवर्स जेड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या आना शुरू हो जाएगा, ये होता है आपका फाइनल आंसर। मतलब खुद ही जेड निकालो तो एफ ऑफ जेड बनाओ और खुद ही उसका इनवर्स जेड करके क्या दो, एफ ऑफ के दे दो। ये होती है आपकी प्रोसेस जो कि आपको यहाँ पे फॉलो करनी होती है। मुझे सच में होता हूं आपको ऐसे नहीं लगता है, चलो छोड़ ये बात थोड़ी बाजू में रख, इधर से इधर तो ये पार्शियल फ्रैक्शन ही है, तो जिन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन ढंग से किया है उनको शत प्रतिशत ये वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ये फॉर्मूले अच्छे से प्लेस करने, एफ ऑफ जीरो का पोजीशनिंग, एफ ऑफ वन का पोजीशनिंग और राइट साइड में अगर टू रेस टू के तो उसका जेड अपॉन जेड माइनस टू स्टैंडर्ड पेयर आता है ना, वो आपको पुट करके इसको सम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कुछ सम्स ऑलरेडी यार नोट्स में मैंने दिए हुए, आप देख लो, वीडियो में मैंने बोला हुआ है सब कुछ, तो ये सब कुछ जब आप करोगे ना तब जाके आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। Are you guys really getting my point? So overall Z transform का एक journey था, क्या आपको सारा का सारा journey समझ में आया है? I'm sure आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। आपको overall video कैसे लगा ये आप मुझे comment section में जरूर बता सकते हो। मिलते हैं next video के लिए, तब तक के लिए thank you so much.